बनाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ फिश कढ़ाई। ये फिश ली है मैंने, मुश्का फिश है 1 kg। टमाटर लिए है मैंने 1 बॉल और तकरीबन 10 अदद है मीडियम। प्याज ये भी मैंने 1 बॉल लिए और ये है 4 अदद। लहसुन के 2 जवे हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। नमक 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च 10-12 अदद है, आप चाहें तो इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह चॉप कर ली है। ये है हरा धनिया, ये मैंने 1 प्याली से थोड़ा कम लिया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा इसको भी कर सकते हैं। और ये स्टेप 1 है। दूसरे स्टेप पे दूसरे मसाले जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं फिश को फ्राई कर रही हूँ। इसका ये पर नज़र आ रहा है ना, अभी तो ये नहीं निकल रहा, मगर जब फ्राई हो जाएगी तो इसको हम निकाल देंगे। मैंने फिश के अंदर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दी थी, फिर मैंने धोकर और मैंने अभी फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो फिश फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं तवे के ऊपर, लोहे का तवा, इसके ऊपर मैं थोड़े से तेल से फ्राई कर रही हूँ। नमक लगाने से ये होता है कि मछली नहीं है और चिपकती नहीं है। और मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इस डिश के अंदर ना मछली ज़्यादा फ्राई नहीं होती है। एक तरफ 2 मिनट लगे, इस तरफ शायद 1.5 मिनट में तैयार हो जाएगी। हमें इस तरह की फ्राई करनी है, ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है, क्योंकि हमें इसको कढ़ाई बनानी है। ये गल चुकी है कि 10-15 मिनट में मछली बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये शुरू में मैंने फिश डाली थी, ये टूट गई थी, चिपक गई थी। यह ऐसा अक्सर होता है जब आप पहली फिश या कोई भी चीज़ पहली फ्राई करते हैं या पकाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जब हम दूसरा बैच तैयार करते हैं तो वो बिल्कुल सही होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाता है। उसमें मैंने ऑयल डाला 3-4 टेबल स्पून, आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये प्याज अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, प्याज हमें सिर्फ ऐसा करना है जैसे कि बस मुरझा जाए, इसलिए इसको तलना है। प्याज हमें जो है ना इतनी ब्राउन करनी थी, जैसे तकरीबन कच्ची पक्की कह सकते हैं इस तरह की। ये जो मसाला इससे अच्छा बनता है, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि टमाटर में खट्टा होता है, ये थोड़ी सी मीठी होती है, इस तरह से इसका एक कम्बिनेशन बनता है। इस वक्त हम हरी मिर्च डालेंगे ताकि थोड़ी सी ये भी फ्राई हो जाए। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च ये भी डलेगी, टेस्ट के मुताबिक नमक आप लीजिएगा जितना आप खाते हैं। और टमाटर भी हम अभी ऐड करेंगे। इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए और अभी ये टमाटर तकरीबन आधे मेल्ट हुए हैं। ये मसाले बिल्कुल हमें मेल्ट करके बिल्कुल भूनना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे ढक दें और चेक करते रहें। ये देखें, इस चम्मच से मैंने इसको इस तरह से मेल्ट करा है, ऐसे ही चमचा यूज़ होगा। अब ये मेरा बिल्कुल तैयार है मसाला। अब मैं यहाँ पर जो है मछलियों को, जो मछली है उनको इसमें रखूँगी। और अगर आप चाहें तो सारा मसाला बाहर निकाल के और आप फिर कर सकते हैं इस तरीके से। पहले ये ऐसे रखी जाएंगी, इनको ऐसे ही जमा करना है, क्योंकि इनके ऊपर हम यही मसाला डालते जाएंगे। ये डिश जो है ना सिंधी डिश है, ये इसको हम सिंधी कढ़ाई भी कह सकते हैं, ये सिंधी डिश है और ये सिंध में पकाई जाती है। मगर इसमें कुछ मसाले मैंने अपने भी ऐड कर दिए हैं, तो ये इसलिए और जायकेदार हो गई है। वैसे ये सिंधी डिश है। ये है सीक्रेट मसाला जो इस फिश का है, जिसको कढ़ाई बनाता है और ये कढ़ाई बन जाती है। ये है अनारदाना 1 टीस्पून, 1 चुटकी मेथी है, कसूरी मेथी,
डेढ़ टीस्पून कुटा हुआ और पिसा हुआ दोनों धनिया है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, ये है चाट मसाला, ये मेरा होममेड है, ये है तकरीबन एक टीस्पून, ये है गरम मसाला पिसा हुआ और ये भी तकरीबन एक टीस्पून है, और ये है अजवाइन जो कुटी हुई है वो, ये थोड़ा सा ये नमक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो आप नहीं डालें। ये मेरे तमाम मसाले जिन्हें मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके और इस फिश के ऊपर डाले जाएंगे। और फिश हमारी अभी स्टीम के ऊपर ही है, हमें चूल्हा बंद नहीं किया है, क्योंकि ये मसालों की इनकी जो खुशबू है ना वो इस कढ़ाई के अंदर फिश के अंदर मतलब भर जाएगी, अच्छी लगेगी। हम डालेंगे हरा धनिया, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू और जायका देता है। अब इसे ढककर कम से कम बिल्कुल स्लो हीट के 5 मिनट के लिए आप इसे स्टीम दें। 5 मिनट मैंने स्टीम दे दी थी, ये तैयार है। और अब मैं डिश आउट करती हूँ। हम इसे चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं, ये इस तरह से उठाई जाती है और इसी तरह चावलों के अंदर खाई जाती है।